जय हिंद साथियों। साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिकल अकेडमी में मैं राहुल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफी सारे कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर दो पोस्टों के फॉर्म भर सकते हैं या फिर तीनों में फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, और अगर फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम किस पोस्ट का आपको देने को मिलेगा। तो चाहे वो HCM की वैकेंसी हो गई, चाहे ASI स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो गई, चाहे हवलदार क्लर्क की वैकेंसी हो गई, तीनों में आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप तीनों में फॉर्म भरते हैं तो भी भर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों भर सकते हैं। बट अगर एग्जाम देने की बात किया जाए कि आप किस पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे, और साथ ही साथ जो ये बार बार पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब तक होगा, तो ऐसी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। कोई भी जानकारी दो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो साथियों मैं बता दूं कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भरिए, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जो आपकी ID है, लॉगिन ID जो आपको मिल रही है ईमेल ID पे, वो सिर्फ एक ही मिल रही है। आप दूसरी ईमेल ID पे दूसरी बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे जैसे पहले भी होता रहा, अगर एक ही दिन एग्जाम हो जाता है, या फिर दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि एक से अधिक फॉर्म भरने पर आपके रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो मेरी सलाह यही है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भरिए, चाहे वो ASI स्टेनोग्राफर की, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। आज हम बात करने वाले हैं BSF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 2350 बहुकल पेपर्स आपको व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं। इस बुक के साथ आप चक्षु की ऑब्जेक्टिव समान अध्ययन, जिसमें 5000 प्लस प्रश्नों का अध्यायवार समावेश किया गया है, लेके अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। दो में फॉर्म बिल्कुल भी मत करिए। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।